खुशपुर के इलाका फजल हक 262 रेबे दशकौर मुकदसा मरियम के सालाना ज्यारत पुर अमन कैथलिक ईमानी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई मुकदसा मरियम की ताजपोशी सादक मसीह मरहूम सोथरा फैमिली ने की। बच्चियों ने ताजपोशी के हवाले से टैबलो पेश किया। रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर और रेवरेंड फादर मुश्ताक अंजम ने ताजपोशी की रस्म अदा की। पाक मास की अकदस कुर्बानी रेवरेंड फादर मुश्ताक अंजम ने गुजरानी। मावनत के फराइज रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर फादर आफ्ताब जेम्स पाल ने अदा की। इस मुबारक मौका पर फादर नदीम जान शाकर ने अपने वास का आगाज अपनी खूबसूरत आवाज के साथ मुकदसा माँ की इज्जत में अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा है कि जिस माँ की बात आज हम करने वाले हैं, जिस माँ का नाम हमारे लबों पर समाने वाला है, वो खुदा की माँ है। इसका पाक तस्लीस से गहरा रिश्ता और ताल्लुक है। खुदा अपने फरिश्ते को जमीन पर भेजता है ताकि वो खुदा का कलाम मुकदसा मरियम के पास लेकर जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि जो पाक तस्लीस को नहीं मानते वो दर हकीकत मुकदसा मरियम को नहीं मानते, और जो मुकदसा मरियम को नहीं मानते वो खुदा खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस का इनकार करते हैं, क्योंकि मुकदसा मरियम उन्हीं से निकली है, मुकदसा मरियम उन्हीं का हिस्सा है। मुकदसा मरियम आलमगीर मुकदसा मरियम है। किसी एक खिता की, किसी एक कौम की, किसी एक जात की, किसी एक ग्रोह की मुकदसा मरियम नहीं, वो आलमगीर माँ है, सबकी माँ है। सारे मजाहब के लोग मुकदसा मरियम की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ निजात को इस दुनिया में लेकर नहीं आए, बल्कि हम सबको इस मकसद के लिए तैयार किया कि हम भी इसकी निजात को उसके साथ मिलकर दुनिया में फैलाएं। आखिर में रेवरेंड फादर आफ्ताब जेम्स पॉल ने इजहार ख्याल में तमाम फादर साहिबान कमेलियन ब्रदर और तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया।